अक्षर नर्सिंग होम की तरफ से सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से ये थी हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी हाजी अली साबरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व मानव अधिकार की तरफ से सभी देश व प्रदेश और आगरा वासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद। सना हेल्थ केयर पाक बड़ा के डायरेक्टर रिजवान मुरादाबाद की तरफ से देश और प्रदेश के सभी वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामना एवं दिली मुबारकबाद। मोहम्मद अमजद कुरैशी की तरफ से ईद उल अजहा की सभी देश और प्रदेश व आगरा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सईम अहमद सीमा एंटरप्राइज की तरफ से सभी देश और प्रदेश व आगरा वासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद। महानगर अध्यक्ष मोदी मिशन अगेन संगठन की ओर से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है कि सब नमाज पढ़ने के बाद घर पर अपने जाकर अच्छे से ईद मनाएं। मैं मोहम्मद फैसल, न्यू लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष, मैं सभी शहर और देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ सभी लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद पूरे शहर में पूरे देश में अमन और चैन से अपना त्यौहार मनाएं और किसी तरीके की कोई ऐसी बात पैदा ना हो जिससे कि देश और प्रदेश का माहौल बिगड़े। जुर्म सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ सत्ता।